पंचकुला महिला थाना पुलिस ने नाबालिग बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने एक नाबालिग बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाई थी। मामले की जांच अधिकारी रीटा देवी ने बताया कि 20 मार्च को सेक्टर 20 के गांव फतेहपुर की रहने वाली नाबालिग बच्ची बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान उसी की कॉलोनी के रहने वाले संतोष ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और उसको अश्लील वीडियो दिखाई। पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष पहले भी इस नाबालिग बच्ची को कई बार तंग कर चुका है। आरोपी संतोष पेंटर का काम करता है और मामले की जांच कर रही जांच अधिकारी रीटा देवी ने बताया कि आरोपी संतोष को पंचकुला जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी संतोष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये एक दिन इसने 18 तारीख को इसने चलती हुई लड़की जो नाबालिग लड़की थी उसको पीछे से जाके एकदम उसके आगे गया और उसको गंदी वीडियो अश्लील वीडियो दिखाई, जिस कारण लड़की ने आके हमें कंप्लेन करी कि इस तरह से पहले भी मुझे एक दो बार ऑफर कर चुका है कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लो और आज मुझे ज़बरदस्ती ऐसे वीडियो दिखा रहा है। तो फिर हमने उसको मुकदमा दर्ज करके और आज कोर्ट में पेश कर दिया, उसको रिमांड जुडिशल भेज दिया अम्बाला। क्या नाम है और क्या काम करता है मैम? आरोपी का नाम संतोष है, ये प्लम्बर का काम करता है। पंचकुला जिला अदालत ने इस मामले में आरोपी संतोष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में जांच के बाद और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।